नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ विजय यादव। तो चलते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। यूपी चुनाव से पहले कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने बड़ा ऐलान किया है। लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रियंका गांधी ने ऐलान किया कि विधानसभा चुनाव में कांग्रेस 40% महिला उम्मीदवार उतारेंगी। प्रियंका गांधी ने कहा कि इसके लिए हमने आवेदन पत्र भी मांगे हुए हैं। अगले महीने की 15 तारीख तक आवेदन खुला रहेगा। प्रियंका ने कहा कि मेरा बस चलता तो मैं 50% टिकट दे देती। यूपी में आरक्षण बढ़ेगा तो देश भी बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का नारा है, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। उन्होंने कहा कि 40% टिकट का फैसला उन्नाव की उस लड़की के लिए यह निर्णय है जिसको जलाकर मारा गया। यह निर्णय हाथरस की उस लड़की के लिए है जिसे न्याय नहीं मिला। लखीमपुर में एक लड़की मिली, उसने कहा कि वह प्रधानमंत्री बनना चाहती है, उसके लिए है यह निर्णय। यह निर्णय सोनभद्र में उस महिला के लिए है जिसका नाम किस्मत है, जिसने अपने लोगों के लिए आवाज उठाई। ये यूपी की हर एक महिला के लिए है जो यूपी को आगे बढ़ाना चाहती है। सरकार को घेरते हुए प्रियंका ने कहा कि आज सत्ता के नाम पर ये है कि आप खुलेआम पब्लिक को कुचल सकते हैं। आज नफरत का बोलबाला है, महिलाएं इसे बदल सकती हैं। राजनीति में आप मुझसे कंधा से कंधा मिलाओ, मैं मीडिया की लड़कियों को दिखाती हूँ। जब सीतापुर में मुझे महिला पुलिसकर्मियों ने घेर लिया और मुझे सीतापुर के पीएसी में ले गए तो ये निर्णय उनके लिए भी है। देश को धर्म की राजनीति से निकलना है और आगे ले जाना है। महिलाओं को खुद ये काम करना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, आईपीएन।